मिथिला के संस्कृति के साथ प्लायन और बेरोजगारी को रुपहले पर्दे पर दर्शाएगी हिंदी फिल्म नो रोड होम। दरभंगा में हुई शूटिंग संपन्न। कोरोना काल के आपदा को अवसर में बदल युवाओं ने निर्माण किया हिंदी फिल्म कहानी के माध्यम से दिखाया कोरोना काल की पीड़ा। चौधरी सिनेमा और अचल चित्र के बैनर तले बन रही हिंदी मूवी नो रोड होम में मिथिला की संस्कृति के साथ साथ प्लायन और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत समस्याओं को प्रेम कहानी के माध्यम से रुपहले पर्दे पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस फिल्म में बॉलीवुड के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी प्रमुखता से नजर आएंगे। फिल्म की अधिकांश शूटिंग दरभंगा के अलग अलग हिस्सों में की गई है। फिल्म के शूटिंग पूरा होने के अवसर पर शनिवार को दरभंगा के पॉल कैफेटेरिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के लेखक निर्देशक पार्थ सौरभ ने बताया कि ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ यहां के जीवन के उच्च आदर्श मूल्यों और जन समस्याओं को दर्शाती हिंदी फिल्म नो रोड होम में बिहारी भाषा के साथ साथ यहां के बेरोजगारी और प्लायन से उत्पन्न जन समस्याओं को बखूबी पर्दे पर उतारने का प्रयास किया गया है। पार्थ ने कहा कि कोरोना काल के आपदा को अवसर के रूप में देखते हुए इस हिंदी फीचर फिल्म का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया है। फिल्म की कहानी एक प्रेमी की है जो 2 साल पहले दरभंगा से प्रेम होने और परिवार के डर से बड़े शहर भाग जाते हैं और दोनों दिल्ली में रह रहे होते हैं। इस बीच लॉकडाउन के कारण हीरो की नौकरी चली जाती है, जिसके कारण उन्हें वापस दरभंगा लौटना पड़ता है और कई तरह का उतार चढ़ाव होते हैं, जिसे खूबसूरत फिल्मांकन के माध्यम से दिखाया गया है। पार्थ ने कहा कि 2022 तक यह फिल्म प्रदर्शित होगा। इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री तानिया खान झा ने कहा कि मिथिला क्षेत्र खासकर दरभंगा की लोकेशन काफी अच्छी है। यहां फिल्म निर्माण से जुड़ी बहुत संभावनाएं हैं। आवश्यकता है मिथिला क्षेत्र को प्रमोट करने की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में उनका किरदार को काफी अच्छी तरह से फिल्माया गया है। वहीं फिल्म के अभिनेता सीतामढ़ी के रहने वाले वर्तमान में बॉलीवुड में सक्रिय अभिनव झा ने बताया कि फिल्म में क्षेत्रीयता को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, जिससे कि नवोदित प्रतिभाओं को अपने हुनर को निखारने का पूरा अवसर मिले। वहीं फिल्म के संयुक्त निर्माता अचल मिश्रा ने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि मिथिला क्षेत्र में फिल्म निर्माण को गति मिले, जिससे स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। अचल ने बिहार सरकार से मांग किया कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फिल्म निर्माण को गति दे सरकार। फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में तानिया खान झा, अभिनव झा, धीरज कुमार, शील निधि, निकिता गुप्ता, अभिषेक राठौर, सागर सिंह हैं, जबकि प्रदीप की तकनीक सहयोग अंकुश प्रसाद, प्रशांत राणा आदि ने अपनी भूमिका अदा की है। इस मौके पर MLSM मैथिली की प्रधानाध्यापिका उषा झा, डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी, विमल कांत चौधरी, राजीव सहाय, नरेंद्र मिश्रा, डॉक्टर बी एन दास, राजीव चौधरी, पंकज कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे। अभी हमने दरभंगा में बनाई है और ये अभी फीचर मतलब हम लोग रिलीज करने की कोशिश करेंगे दरभंगा में, तो मुश्किल यही है कि यहाँ के दर्शकों तक पहुँच जाए बात ये फिल्म बनी है। किस तरह थीम फैमिली फिल्म की प्लान किया था हमने और यहाँ से कभी कपल्स भागते हैं और फिर यहाँ के सोसाइटी में वापस एडजस्ट करने में उनको दिक्कत होती है, तो उसके बारे में और साथ में बेरोजगारी के बारे में भी है जो लॉकडाउन के कारण शुरू हुआ है, बट लॉकडाउन से जो बढ़ा है बेरोजगारी और जो माइग्रेंट्स वापस आए हैं और यहाँ पर आके वापस स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी एक मेजर थीम है। मेन कोरोना काल में जो जी जो तो कहानी पिछले 2020 जुलाई में सेट है, जब एक बार ट्रेन वेंस खुल चुके हैं और लोग वापस आने शुरू हो चुके हैं उस अराउंड। फिल्म की शूटिंग अधिकतर तो CPI का जो ऑफिस है उधर हुई है और उसके अलावा हमने कटलवाड़ी फ्लाईओवर पर शूट किया है, राई में शूट किया है, गंगा क्लब पर शूट किया है, नरगुना के अंदर भी शूट किया है, तो मेजर यही लोकेशन फेस कर रहा है कि जो भी यंग लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं दरभंगा में रह रहे हैं यंग लोगों के, वो हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। दरभंगा को चूज करने जैसा कुछ नहीं था, मतलब हम दरभंगा से ही हैं तो हमको जो कहानियाँ जो समझ आती हैं, जो कल्चर समझ में आता है, वो सबसे अच्छे से दरभंगा का ही हुआ है, तो उसके कारण ही दरभंगा चूज किया था। वापस आया तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फिल्म बना ही लेता हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय तो एनीवे लॉकडाउन चल ही रहा था अप्रैल में, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आपने कब से फिल्म बनाया। नहीं, यहाँ पर लोग तो बहुत ही हेल्पफुल थे, मतलब जहाँ पर भी हमने शूट किया लोगों ने हमेशा हेल्प की हमारी, मतलब कहीं कहीं पर परमिशंस नहीं भी थी और फिर भी
मतलब अच्छे से पूरा शूटिंग कर लिया। कई कई बार तो हमने परमिशन लेके शूट किया था, पुलिस भी थी तो उसके कारण भी शूट कम्प्लीट निकला। बट जनरली यहाँ पे लोगों का मतलब सिनेमा बनाने के लिए उत्साह बहुत, मतलब एक ग्रुप पूरा बना हुआ है जिनका सिनेमा बनाने के लिए उत्साह बहुत है, वो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर सिनेमा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।